फ्रेंड्स, तो जो टॉपिक आज हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल एंड यूनिट सेल से रिलेटेड एंड सॉलिड स्टेट से रिलेटेड ऑलरेडी 6 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं चैनल के ऊपर, आप विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल। तो हमने देखा यूनिट सेल के अंदर हमारे पास एज लेंथ होती है, उसको हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। लाइक हम डेंसिटी किस तरीके से निकाल सकते हैं यूनिट सेल की, या फिर हम बोल सकते हैं मोलर मास या एटॉमिक मास हम किस तरीके से निकाल सकते हैं यूनिट सेल का, तो आज वो फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास जो यूनिट सेल है उसकी एज लेंथ है ए। सपोज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल दैट इज ए, एंड इसको हमने डिटरमाइन किया है विद द हेल्प ऑफ एक्सरे डायफ्रेक्शन मेथड। ये एक मेथड होता है जिसकी हेल्प से हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट की है। ठीक है, इसको हमने एज लेंथ को बोल दिया ए है। ठीक है, डी इज द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। कैपिटल एम इज द मोलर मास ऑफ यूनिट सेल, मोलर मास ऑफ यूनिट सेल। और हमको ये पता है यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। लाइक पिछली क्लास में हमने स्टडी किया था वॉल्यूम कितना होता है हमारे पास, हमारे पास एज लेंथ है ए सो इसका क्यूब, बिकॉज हमारे पास जो यूनिट सेल है दैट इज अ क्यूब, सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस यूनिट सेल इज ए क्यूब। अब हम यहाँ पे देखते हैं मास ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का मास कितना होगा हमारे पास। सो लाइक ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, तो अभी हम ये देखेंगे इस यूनिट सेल के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। लाइक हमारे पास यहाँ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, एंड लाइक जिस तरीके से भी एटम अगर हमको एफसीसी में दिया होगा या बीसीसी में दिया होगा, उस तरीके से जितने भी एटम्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे वो हम कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले मास ऑफ यूनिट सेल किस तरीके से निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, कितने हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स है, इन टू मास ऑफ ईच एटम। लाइक हर एक एटम का मास कितना है, लाइक इसमें जितने भी हमारे पास एटम होंगे उसमें से हर एटम का मास कितना है, मल्टीप्लाई बाय दिस। सो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इसको हमने कंसीडर कर लिया दैट इज जेड, एंड मास ऑफ ईच एटम इज स्मॉल एम। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल इज जेड इंटू एम। ओके, देन अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कैपिटल एम, कैपिटल एम को हमने बोला है दैट इज मोलर मास। ओके, सो हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास मास ऑफ ईच एटम कितना आएगा, मास ऑफ ईच एटम, मास ऑफ ईच एटम, सो मास ऑफ ईच एटम को हमने किससे डिनोट किया है, स्मॉल एम से। तो ये किसके इक्वल होगा, जो हमारे यूनिट सेल का मोलर मास होगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय Na, Na इज एवोगैड्रो कॉन्स्टेंट, और एवोगैड्रो नंबर एंड इसकी जो वैल्यू होती है कॉन्स्टेंट होती है दैट इज 6.022 इंटू 10^23। लाइक अगर हमारे पास एटम्स प्रेजेंट है तो यहाँ पे हम यूनिट लेंगे एटम, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो यहाँ पे हम लेंगे मॉलिक्यूल, इस तरीके से। ठीक है, सो ये हो गई हमारे पास Na की वैल्यू। अब हमको सिंपली पता है डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। सो हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट सेल की। सो यहां पे हम क्या लेंगे, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे, डी से। दिस इज इक्वल्स टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास मास ऑफ यूनिट सेल, हमारे पास क्या आया था, मास ऑफ यूनिट सेल इज जेड इंटू एम।
यहाँ पे हम पुट कर देंगे z इंटू एम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. हमारे पास क्या था, वॉल्यूम इज ए क्यूब. ठीक है, सो यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना था, ए क्यूब. यहाँ पे हम पुट कर देंगे. अब हमने देखा यहाँ पे ईच एटम का जो मास है वो कितना है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम ए एन ए. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम बाय एन ए. सो स्मॉल एम की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, कैपिटल एम बाय एन ए. सो ये हम पुट कर देंगे कहां पे, यहां एम के वैल्यू के अंदर. सो डी इज इक्वल्स टू जेड इंटू एम बाय एन ए डिवाइडेड बाय ए क्यूब. इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, डी इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइडेड बाय एन ए ए क्यूब. तो ये आ गया हमारे पास इसका फॉर्मूला डेंसिटी का. तो यहां से हम डेंसिटी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. और अगर हमारे पास चार पैरामीटर, कोई भी चार पैरामीटर प्रेजेंट है, तो उससे हम कोई भी फिफ्थ पैरामीटर इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. लाइक हमको यहाँ पे डेंसिटी दे रखी है, तो यहां से अगर हमको एम निकालना है तो वो भी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर इन्होंने एज लेंथ पूछी होगी तो हम एज लेंथ भी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक भी है, आप किस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं. लाइक हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है, d इज इक्वल टू जेड इंटू एम इंटू एन ए ए क्यूब. ये फॉर्मूला है हमारे पास. तो इसको आप लाइक रिवर का जो नाम है जमुना, जमुना इसको याद रखना. तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, ज म दो वर्ड ऊपर लिखेंगे, न आपकी जो मात्रा है इसके ऊपर क्यूब कर देंगे. सो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं, जम ना जम ना वन के ऊपर क्यूब. ठीक है, सो इस तरीके से इस फॉर्मूले को आप लर्न कर सकते हैं. ठीक है, अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं रिलेटेड टू दिस मेथड. सो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज एक्सरे डायफ्रेक्शन स्टडीज शोज दैट कॉपर क्रिस्टल इन एन एफसीसी यूनिट सेल विथ एज लेंथ हमको दे गई है ये. एंड यहाँ पे हमको कौन सा लैटिस दिया गया है, एफसीसी लैटिस. ऑलराइट, एंड एक सेपरेट एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव डेंसिटी. डेंसिटी हमको दी गई है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. एंड यहाँ पे उन्होंने क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर. कॉपर का एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए बोला है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला जो है वो राइट डाउन करेंगे एंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले हमको क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हम फॉर्मूला राइट डाउन कर लेते हैं. डी इज इक्वल टू जमना. ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया. अभिनंदन दिया हमको एफसीसी लैटिस. सो एफसीसी लैटिस या एफसीसी सेल के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को हमने डिनोट किया था जेड से. सो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, फोर. लाइक हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया था, नंबर ऑफ एटम्स फोर होते हैं एफसीसी के अंदर. किस तरीके से, 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2. 8 एटम्स कॉर्नर के ऊपर एंड 6 एटम फेस के ऊपर, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2. ठीक है, सो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास, 4. एंड यहां पे इन्होंने हमको एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल कितनी दी है, ए की वैल्यू इन्होंने हमको दी है 3.608 × 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर. ऑलराइट, एंड डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल डी इज इक्वल टू 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अब हमको क्या निकालना है, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, मींस हमको एम की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे. सो यहां पे एम इज इक्वल टू डी इंटू एन ए इंटू ए क्यूब डिवाइडेड बाय जेड, नीचे आ जाएगा जेड. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू पुट अप कर देंगे. डी की वैल्यू इन्होंने दी है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इस तरीके से हम देख सकते हैं इसको,
Na की वैल्यू हमको पता है, हमारे पास क्या वैल्यू है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स, ठीक है, इंटू ए क्यूब, ये हमारे पास क्या है एज लेंथ, सो 3.608 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर एंड इसका होल क्यूब डिवाइडेड बाय z, फोर एटम्स, यहां पे हमारे पास कितने एटम्स आएंगे, फोर एटम्स, तो यहां पे हम लिख देंगे फोर एटम्स। अब हम क्या करते हैं, यहां से हम जो है यूनिट्स जो है इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लाइक एटम्स से एटम्स कट जाएगा एंड यहां पे हमारे पास ये वैल्यू एज इट इज 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 3.608 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 होल क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब हमने बाहर निकाल दिया, तो यहां से आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 4। अगर हम यहां से देखें सेंटीमीटर क्यूब से ये पर सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा एंड यहां पे हमारे पास जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी ग्राम एंड यहां पे हमने ग्राम एंड कोई और यूनिट हमने छोड़ दी है क्या, ग्राम पर सेंटीमीटर हमने कट कर दिया है, एटम्स भी हमने कट कर दिया है, ओके सो यहाँ पे जो है हमारे पास इसकी जो यूनिट होती है दैट इज एटम्स पर मोल होती है, ठीक है, सो यहाँ पे हम जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पर मोल, सो यूनिट तो हमारी आ जाएगी ग्राम पर मोल एंड इसका जो रिजल्ट है वो मैं आपको चेक करके बताती हूँ, दैट इज 63.1, ठीक है, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। ऑलराइट, सो इस तरीके से आप ये जो है मेथड यूज कर सकते हैं टू डिटरमाइन एनी वैल्यू फ्रॉम दिस, सो होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, सो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, लाइक हमारे पास जो Na की वैल्यू है दैट इज 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स पर मोल। ऑलराइट, सो होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू सो मच।